आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन द बुक वर्क ऑफ चैप्टर टू एनिमल्स एंड देयर वेयरिंग लाइफस्टाइल्स. तो इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं बेटा. फर्स्ट इज इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पायरेकल्स. जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनके लंग्स वगैरह कुछ नहीं होते. वो सांस कैसे लेते हैं? स्पायरेकल्स के थ्रू सांस लेते हैं. स्पायरेकल्स क्या होते हैं? उनकी बॉडी के अंदर, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट इज ड्रैगन फ्लाई. सबसे तेज उड़ने वाला इंसेक्ट जो है उसको हम बोलते हैं, उसका नाम क्या है? ड्रैगन फ्लाई. क्या है? ड्रैगन फ्लाई. ठीक है. द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट इज ड्रैगन फ्लाई. नेक्स्ट इज ह्यूमंस हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. ह्यूमंस, जो ह्यूमन, हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन है वो क्या है? ओमनीवोर्स है ना. ह्यूमन ओमनीवोर कौन होते हैं? जो कि वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. वो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं. लेकिन ऐसे ह्यूमन जो कि मीट नहीं खाते, फ्लैश नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, तो उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियंस. ठीक है. क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, अ बटरफ्लाई फीड्स ऑन नेक्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोबोस्किस. एक बटरफ्लाई होती है, जो बटरफ्लाई फूलों में से रस चूसती है. आपने देखा होगा बटरफ्लाई क्या होती है? फूलों में से रस चूसती है. तो उसके पास क्या होता है? वो किस, कैसे रस चूसती है? उसके पास होती है प्रोबोस्किस. प्रोबोस्किस क्या होती है? एक लंबी ट्यूब होती है जो कि खाना चूसने के काम आती है. और जब वो अपना रस चूसती है उस टाइम पे वो जो उसकी ट्यूब होती है वो लंबी हो जाती है. और जब वो चूस लेती है तो उसके बाद वो दोबारा फोल्ड हो जाती है. उसकी जो वो है ट्यूब है प्रोबोस्किस. ठीक है. बटरफ्लाई को जब वो नेक्टर पीती है, जब वो अमृत पीती है या जूस पीती है, तो उसको कौन सी चीज हेल्प करती है? प्रोबोस्किस. ठीक है. नेक्स्ट इज एन ईल माइग्रेट्स टू द डैश टू ले एग्स. ईल एक जो जानवर है, एक एनिमल है. माइग्रेट मतलब वो चला जाता है. कहां पर जाता है? कौन सी जगह पर जाता है? एग्स देने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. वो कौन सी एरिया में जाता है? सरगासो सी. सी का नाम दिया हुआ है सरगासो सी. कौन से सी पर जाता है? सरगासो सी. ठीक है. क्लियर है इतना सभी को? यस मैम. ठीक है बेटा. ठीक है. आगे आपका है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में क्या है? अ फिश इज एन एम्फीबियन. एम्फीबियन कौन से होते हैं? कौन बताएगा मुझे? एम्फीबियन जो पानी में रहते हैं मैम, जो पानी में भी होते हैं. हाँ, जो पानी में भी रहते हैं और जो बाहर भी रहते हैं. तो क्या फिश एम्फीबियन है? नो मैम, फॉल्स. फॉल्स. क्योंकि फिश क्या है? एक्वेटिक एनिमल है. फिश एक्वेटिक एनिमल है ना, क्योंकि वो तो पानी में ही रहती है. और एम्फीबियन क्या होते हैं? पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं. क्या है? कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे एम्फीबियन का? मैम फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल. फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल, वेरी गुड. फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल एम्फीबियन है, जो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है. आगे है अ टाइगर इज अ कार्निवोर. टाइगर कार्निवोर है. ट्रू और फॉल्स बताओ? मैम ट्रू. ट्रू, क्योंकि टाइगर फ्लैश ईटिंग एनिमल है और कार्निवोर कौन से होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं. ठीक है. ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ डॉग्स आर गिल्स. क्या डॉग्स जो है वो गिल्स से ब्रीद करते हैं? मैम फॉल्स. ट्रू. फॉल्स मैम. गिल्स तो बेटा गिल्स होते हैं, फिश के अंदर होते हैं. और डॉग्स के अंदर लंग्स होते हैं. हाँ, डॉग्स के अंदर तो लंग्स होते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है. बेटा जवाब देने के बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करो, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है. फिर है बर्ड्स हैव हैवी बोन्स. बर्ड्स की हैवी बोन्स होती है? मैम फॉल्स. फॉल्स, वो उड़ नहीं पाएंगे फिर. हाँ, हैवी बोन्स होंगी तब. अगर हैवी बोन्स होंगी तो वो उड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए बर्ड्स की लाइट बोन्स होते, तो ये फॉल्स है. वेरी गुड. देन स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स एंड लेग्स. फॉल्स.
फॉल्स फॉल्स क्योंकि स्नेक्स की तो लेग्स होती ही नहीं है ना मैम, लेग्स नहीं होते. फॉल्स. ठीक है, तो आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है इसलिए आपको आसानी से इसका बुक वर्क समझ आ रहा है ना. आपने घर में किया होता तो आपको घर पे भी आसानी से आ जाता. फिर है आपका टिक द करेक्ट आंसर. अमीबा ब्रीद थ्रू डैश. अमीबा कैसे ब्रीद करता है? बॉडी सरफेस से, लंग से, गिल से, स्पाइरकल से. किससे ब्रीद करता है अमीबा? बॉडी सरफेस से. किससे ब्रीद करता है? बॉडी सरफेस से. ठीक है, फिर आपका है अ पैरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ. पैरामीशियम कैसे मूव करता है? लेग्स से, सीलिया से, पॉ से, फिन से. कैसे मूव करता है पैरामीशियम? पैरामीशियम क्या होता है? बहुत ही छोटा जीव होता है, काइंड ऑफ बहुत ही छोटा, पैरासाइट्स की तरह होता है. तो उसकी लेग्स नहीं होती. वो कैसे मूव करता है? सीलिया से मूव करता है. सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, उन हेयर्स की मदद से वो मूव करता है. ठीक है, फिर है एम्यू. एम्यू इज अ फ्लाइंग बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट, फ्लाइटलेस बर्ड. एम्यू क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है. एम्यू जो है वो उड़ नहीं सकता. हाँ जी बोलो. हाँ जी बेटा, समझ नहीं आया. पैरामीशियम का है सीलिया. ठीक है, एमयू क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड. एमयू इज अ फ्लाइटलेस बर्ड जो कि उड़ नहीं सकता. एक्सक्यूज मी, दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड. दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड. माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? जो दूसरी जगह से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं. क्रॉ, पैरेट, स्पैरो, व्हाइट स्टॉक. तो इसका आंसर क्या है? व्हाइट व्हाइट स्टॉक. वेरी गुड, वेरी गुड. स्टॉक माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है? व्हाइट स्टॉक. वेरी गुड. ठीक है, अब आपका आ गया नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल. इन एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा है जिससे कि वो सांस ले सकते हैं? तो फ्रॉग सांस कैसे लेता है? हाँ जी मैम, ये नोटबुक में लिखने वाले या फिर बुक के अंदर? नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन है? फ्रॉग, फ्रॉग किससे सांस लेता है? स्किन से और लंग से. फ्रॉग सांस कैसे लेता है? स्किन से, जब पानी में होता है, और जब बाहर होता है तो लंग से. मॉस्किटो कैसे सांस लेता है? हमने पढ़ा था इंसेक्ट किससे सांस लेता है? स्पाइरकल से. स्पाइरकल से, छोटे छोटे बॉडी में उसके होल होते हैं. मैन कहां से सांस लेता है? लंग से. मैन कहां से सांस लेता है? लंग से. कैट, कैट भी कहां से सांस लेती है? लंग से. और अर्थवर्म, अर्थवर्म सांस लेता है अपना स्किन से, अपनी स्किन से वो सांस लेता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बुक वर्क.